नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं अरिशा सिद्दीकी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर महाराजगंज से है, जहां नगर पंचायत सोनौली के श्री राम जानकी मंदिर के महंत बाबा शिव नारायण दास के नेतृत्व में शुक्रवार को विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल महिलाओं और बच्चियों ने श्री राम जानकी मंदिर से निकलकर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए मां गंगा की आराधना करके रोहित नदी से कलश में जल भरा। शिव का जयकारा लगाए हुए कलश यात्रा वापस राम जानकी मंदिर पहुंची। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, पूरा नगर भक्तिमय दिखाई दिया। महाराजगंज से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट, वन इंडिया न्यूज। खबर कौशाम्बी से है, जहां जनपद में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक बेकाबू कार ने कड़ा धाम दर्शन के लिए जा रहे ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार। कार की टक्कर लगने से ई रिक्शा में मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि कोखराज थाना क्षेत्र के ककोड़ा गांव के समीप नेशनल हाईवे पर शनिवार को अचानक एक बेकाबू कार ने ई रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने से ई रिक्शा पलट गया, जिसमे सवार दौलत राम व ई रिक्शा ड्राइवर नरेश पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा कार चालक को पकड़कर कोखराज पुलिस के हवाले कर दिया गया। कौशाम्बी से नवनीत सिंह की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।